जी हाँ, मीठा नीम। तो मीठा नीम अपने राजस्थान में कितना काम में लेते हैं? सब में काम लेते हैं, जैसे उपमा बनाते हैं, पोहे बनाते हैं, दाल में छोंक, कड़ी में छोंक लगाने के लिए कड़ी पत्ता काम आता है। बहुत न्यूट्रिशन होता है इसमें। बहुत न्यूट्रिशन होता है। और हमारी मम्मी जी को थोड़ा गमलों लगाने का, पौधे लगाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। गुड़हल का पत्ते, मनी प्लांट, सारे फूल पत्तियाँ वगैरह हम लगाते रहते हैं, नए नए प्रकार के पौधे। हाँ, तो नई नई तरह के पौधे देखिए, अभी मैं पास में देख रही हूँ मीठा नीम में, इसकी भी आप सेवा बराबर से कर रहे हो हैं जी। तो क्या करते हो इसके लिए? इसके लिए हम इसको खुदाई करते हैं। हाँ, गुड़ाई करते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालते हैं, चूना डालते हैं, थोड़ा सा ये न्यूट्रिशन के लिए साग सब्जियां जो होती हैं उनके छिलके निकलते हैं वो डाल देते हैं, उनका पानी डालते हो। उनका पानी, वेरी गुड। तो चलिए अभी हम मीठा नीम लगाते हैं। जी जी। कड़ी पत्ता, तो आपने मिट्टी को तैयार कर लिया है जी, है ना? इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? इसमें हमने चोला फली की पत्तियाँ नीचे इसमें गमले में डाल दी आपने। हाँ, गमले में डाल दी। हाँ, गमले में पहले तो छेद कर लिया। हाँ, छेद करके उसमें छोटी छोटी ठीकरियाँ लगा दी। हाँ हाँ, फिर ये सब्जियों की छिलके लगा दिए। हाँ, डाल दिए ताकि लौकी के छिलके। हाँ, सब प्रकार ताकि वो कंपोस्ट बन जाए धीरे धीरे करके। चलो अब मिट्टी डालते हैं। अब मिट्टी डाल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। मिट्टी में क्या क्या ऐड किया आपने? मिट्टी में क्या क्या ऐड किया हमने? अभी हल्दी पाउडर, हाँ, चूना, और मतलब चूने की जो ट्यूब दिखा रहे थे यहाँ पे, वो वाली चूना डाला, ट्यूब डाली। हाँ, और नीम का पाउडर डाल दिया। अच्छा अच्छा, नीम का पाउडर डाला है, वेरी गुड। चलिए तो आप इस तरह से अब इसको भर लोगे जी। हाँ, बहुत बढ़िया। पत्थर वत्थर सब निकाल लिए और धूप लगाई है आपने इस मिट्टी को? हाँ, धूप लगाई है 6-7 दिन के लिए हमने, ऊपर सोलराइजेशन हो जाए ताकि। हाँ, एक बाल्टी में ये सब डाल के ऊपर रहने दिए थे, धूप में रहने दिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए फिर भी छोटे छोटे से जीव हैं, क्योंकि इसमें ये कंपोस्ट वाली मिट्टी है, ऑर्गेनिक है, और खाने की चीज़ों को तो ऑर्गेनिक में लगाना ही चाहिए, लगाना चाहिए, है ना? तो चलिए आज आपके हाथ इसमें नीम का पौधा लगाने के थोड़े दिनों के बाद इसमें छाछ डालेंगे। छाछ में एक चुटकी भर हम बेसन का पाउडर ऐड करके, अच्छा, थोड़ा सा पानी मिला के वो भी डाल देते हैं, खट्टी छाछ डालते हैं, खट्टी छाछ। उसके बाद पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए तो आपने इस तरह से इस मिट्टी को भर लिया है जी। तो अब आप पौधे को कैसे लगाते हो जी? अब मिट्टी डालने के बाद हमने बीच में गड्ढा कर दिया है। हाँ, इस तरह। हाँ, अब ये पौधा हम देखेंगे, ज्यादा टाइट तो नहीं है, टाइट हो तो इसको थोड़ा पानी में भिगो के रखते हैं, पर ये टाइट नहीं है। हाँ, तो हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, और ये लाल मिट्टी होती है उसको हम साइड साइड में इसे फैला रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें नहीं तो क्या है कि रूट्स को बढ़ने के लिए ये बहुत टाइट होती है, रेड मिट्टी जो होती है, होती तो न्यूट्रिशन वाली है लेकिन क्या है बहुत टाइट होती है पौधों की जड़ों के लिए, हाँ, धीरे धीरे जड़ें हमारी डैमेज नहीं हुई ऐसे। बस 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 बस, अब इसको लगा दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा पौधा लगाया भाई। इसको थोड़ा सा बीच में से दबा दीजिए। तो ऐसे प्लांट्स लगा करके आपको खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। यानी वो वाली बात कि जो चाखे सोई बता सके, सोई बता सके, सोई बता सके। और प्लांट लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, कम से कम घर के अंदर ऐसे प्लांट्स तो जरूर लगाएं जो जो फायदे वाले हैं, है ना? तो जैसे आपने लगा रखे हैं मीठा नीम, और आपने छत के ऊपर जो है अपने टेरेस के ऊपर है गुड़हल के फूल भी काफी लगा रखे हैं। है, लाल फूल का पौधा है। हाँ, गिलोय उगा के रखी है, तो अलवेरा उगा के रखी है। गुड, बहुत अच्छा। अलवेरा हम खाने मम्मी जी को देते हैं काट के, वो ऐसे ही खा लेती है। हाँ, और उसका जेल बना के हम बालों में लगाते हैं, बहुत स्किन पे लगाते हैं, स्किन ग्लो करती है। अच्छा, हेयर जो डैमेज हो जाते हैं वो अलवेरा से फायदा देते हैं। और गुड़हल का क्या करते हो? गुड़हल की फूल तोड़ के, हाँ, उसको पानी में उबाल के उसकी चाय बनाते हैं। तो आप गुड़हल की चाय पीते हो जी? बहुत अच्छा। उसमें चाहिए फिर फूल की चाय पीते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हो? सिंपल चाय तो हर कोई पीता है, दूध वाली चाय। बहुत अच्छा, बोलते हैं वो नुकसानदेह वाली है, इससे ये फूल की चाय पीनी जरूरी, फूल की चाय पीनी चाहिए। तो वैसे भी उसमें न्यूट्रिशन होता है, खासतौर से आयरन होता है, आयरन होता है ना। बीमारियों से बचना है तो ये छोटे मोटे उपाय करने जरूरी है, उपाय करना। मेरा हो गया, गिलोय हो गया, गिलोय का भी हम काढ़ा बना के पीते हैं दो तीन दिन में, तो
तो उससे बचाव हो जाता है। बहुत अच्छा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी नेचर से जुड़िए जी, छोटी छोटी कोशिशें आपको एक अच्छा गार्डनर बनाकर रख देंगे।